हेलो फ्रेंड्स, सीमा स्मार्ट किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक सूप बनाने जा रहे हैं जिसका नाम है कॉर्न सूप। आइए बनाते हैं। एक कप स्वीट कॉर्न, दो टमाटर और एक छोटा प्याज, इन तीनों चीजों को हमें प्रेशर कुकर में 2 से 3 सीटी होने तक उबाल लेना है और मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेना है। 1 टेबलस्पून बटर, 1 टेबलस्पून टमाटर सॉस, 1/2 टेबलस्पून काले मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार और कॉर्नफ्लोर 1 टेबलस्पून, अगर जरूरत पड़ेगी तो ही यूज करना है कॉर्नफ्लोर, नहीं तो नहीं यूज करना है। सबसे पहले प्रेशर कुकर में हम आधे कॉर्न डाल देंगे और आधे बचा लेंगे और टमाटर उसका ऊपर का पार्ट निकाल देंगे और बड़े बड़े 4 टुकड़े करके डालेंगे। इस तरह से डालने से क्या होगा, जब ये उबल जाएगा उसके बाद इसके हम छिलके आसानी से बाहर निकाल सकते हैं पीसने के पहले। वैसे ही करना है यहाँ पे। प्याज भी इसमें डाल दिया है, थोड़ा नमक डाल दीजिए, पानी डाल दीजिए। और वैसे टमाटर के छिलके सहित भी पीसेंगे तो खराब नहीं लगेगा, पर छिलके निकाल देंगे, उबलने के बाद आसानी से ये बाहर आ जाते हैं। अभी हम इसे 2 से 3 सीटी होने तक प्रेशर कुक कर लीजिए। हो गया है ये, और अब इसके छिलके निकाल के हमें इसे ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड होके तैयार हो चुका है। एक पैन में थोड़ा सा बटर डालेंगे, लगभग 1 टेबलस्पून, और इसमें आधे कॉर्न जो हमने बचाए थे वो डाल देंगे। 1 मिनट के लिए इसको कुक कर लेंगे। 1 मिनट में पक जाएंगे, बहुत सॉफ्ट रहता है स्वीट कॉर्न, इसको पकाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। थोड़ा सा नमक भी डाल दिया है मैंने यहाँ पे। थोड़ी देर इसको कुक हो जाने दीजिए, बस हार्डली 1 मिनट लगता है, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ये पक के तैयार हो गए हैं। अब हम इसमें जो हमने टमाटर, स्वीट कॉर्न और प्याज का जो पेस्ट तैयार किया था वो भी डाल दिया है इसमें। देखिए इसका कलर थोड़ा चेंज है अभी, इसलिए हम इसमें टमाटर सॉस भी डाल लेंगे, थोड़ा सा कलर आ जाएगा। और अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत पतला हो गया है तो ही हम इसमें कॉर्नफ्लोर मिलाएंगे। काली मिर्च पाउडर भी डाल दीजिए। कॉर्नफ्लावर मिलाने की जरूरत हो तो ही मिलाना है, नहीं तो नहीं मिलाना है। अभी तो मुझे ये गाढ़ा लग रहा है, इसमें पानी मिला सकते हैं। अभी इसमें थोड़ा पानी डाल लीजिए। जितना पतला या फिर गाढ़ा आपको सूप चाहिए उस टाइप की इसकी कंसिस्टेंसी रख लीजिए आप, जितना गाढ़ा पीना पसंद करते हैं। और अगर पतला लग रहा है तो ये कॉर्नफ्लावर घोल के इसमें डाल दीजिए, जरूरत नहीं है तो मत डालिए। लीजिए कॉर्न सूप तैयार है, इसे सर्व कीजिए। एपेटाइजर के रूप में कर सकते हैं, बिल्कुल वाओ, बहुत टेस्टी बनाए और बहुत इजी है। रेसिपी को ट्राई कीजिए, लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।